भाई तेरी टी शर्ट तो गई, तेरी इसकी टी शर्ट तो गई आज, पीयूष की टी शर्ट तो गई। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हाय गाइस, धोबी का सीन है, अभी हम जा रहे हैं भिंडी तोड़ने, प्लाट में सब्जी की। हाँ, प्लाट में काफी भारी होते हैं, तो अम्मा पापा जी और मैं तीन जने लगेंगे तोड़ने के लिए। तो फ्रेश फ्रेश भिंडी, तो चलो देखते हैं कितनी भिंडी मैं तोड़ूंगा। हाँ तुम तोड़ो। आज ना हमारी गली पूरी आगे तक सील कर दिया, वहाँ तक देखो पूरी वहाँ तक सील कर दिया। मतलब यूजुअली हमारे घर के उस साइड में थी, बट अब क्या करें, हमारे जो प्लॉट है ना, हमारे प्लॉट के इधर तक सील कर दी पूरी गली। बट हम जा सकते हैं बिकॉज जो पुलिस वाले अंकल हैं उनसे जान पहचान हो गई है। सही, पापा जी की काटनी पड़ती है। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही है ना, दूसरा चाकू लाना चाहिए था ना। बाजार वाली ऐसी तो नहीं है, ये बाजार वाली तो पतली सी होती है, देखना मेरे हाथ के बराबर। इसका फूल कुछ इस तरह का है, इसके ऊपर कीड़ा भी। ओ हमारी अम्मा खड़ी है यहाँ छाया में। अम्मा ये तोरिया तो हुई नहीं, इसमें फूल ही नहीं आए, पता नहीं कैसा पेड़ है, कुछ समझ में ही नहीं आया। बेल तो इतनी घनी हो गई है, फूल भी नहीं आए कहीं फल। तो आज हम ताजा ताजा भिंडी खाएंगे तोड़ के इस तरह से। बैगन भी हो रहे हैं बहुत सारे, बड़े बड़े हो गए। एक ही हुआ है, हो गए चार तो हो ही गए। इसको हम भिंडी नहीं कह सकते, भिंडा भिंडा कहेंगे। लो मेरी तरह चाकू गिफ्ट, और यू घुसा हुआ है देखो सोफे के नीचे। हरी ये बाहर नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, बिकॉज सारे अंदर बैठे हैं। अपना बचाव करना है ना, काढ़ा पी, नहीं तो सैंपलिंग होगी सबकी, होगी हमारे। सैंपलिंग होगी तो होगी, काढ़ा पियो चाहे ना पियो, उससे साफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में कुछ नहीं होता ऐसे। तो अभी टाइम है ओरियो को दवाई देने का, इसको दो ड्रॉप्स देनी होती, डॉक्टर ने दो ड्रॉप्स दी थी इसके लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा देखना कैसा करेगा दवाई देने में, इसको दवाई लेना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ओरियो अब नहीं काटेगा, लो मेरा हाथ काटो, इसको पता है ना दवाई दे रहा हूँ करके। इसके मुंह में हाथ डाल दो ऐसे, मुंह खोल देता है, फिर ऊपर जल्दी से दवाई डाल दो, अदरवाइज दवाई के लिए कभी नहीं खोलेगा। कंटेनमेंट जोन में है। फिर क्यों कर रही है मम्मी? अरे भूल जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चुप रहो फिर भी। भूल जा रही भूल। शांति चाहिए वीडियो बनाने के लिए मम्मी। तो अभी का सीन ऐसा हुआ कि हमारी गली से पुलिस वाले चले गए हैं, मेरी उनसे बात हो गई। एक मिनट मैं उनको हमारा मिटा लोगे हमारा। तो अभी का सीन ये है कि हमारी गली में मूड बन रहा था, जब तभी तो नहीं बोलता मैं, बोलता क्यों, इसलिए नहीं बोलता यार, तो बुरा दिन तो बहुत है। अरे इसमें यार पापा जी ने तीन चार बार रिटेक कर लिया, कुछ बोलना था पापा जी को, मम्मी कभी क्या कर रही है कभी क्या कर रही है। अब मम्मी हंस के अंदर भाग चुकी है, बोली कर लो जो करना है। पापा जी कह रहे थे अभी का सीन ये है। सीख गए पापा जी। देखो पापा जी ऐसे कह रहे थे कि जो हमारी गली में पुलिस जा चुकी है, पहले बोल रहे थे कि 20 तारीख तक रहेगी पूरी सील, अब सील भी हट चुका है। 28 दिन का जो था कंटेनमेंट, 28 दिन का था गली, अब वो 14 दिन कर दिया है, इसलिए सारी पूरी कॉलोनी की गलियां हट चुकी है। पूरी गलियां हट चुकी हैं, खुल गई हैं। हाँ जो सील कर रखी थी ना आप कॉलोनी में, सारा खुल चुका है, मतलब वो खुल गई है, सारी पुलिस जा चुकी है यहाँ से। तो अब हम अपनी टाइल्स लगवा सकते हैं, अब पता नहीं टाइल्स वाला आएगा या नहीं आएगा, वो अलग बात है, बट हमारी गली बिल्कुल फ्री है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अभी आज क्लियर हो जाएगा, हालांकि हम नहीं जाएंगे। बाइक लेनी है मुझे, ठीक है बाइक बाइक लेनी है, भागो मत। मम्मी जी ने मना कर दिया बाइक लेने से कि अभी नहीं लेनी है, अभी 4-5 महीने रुक जा उसके बाद लियो, बट मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ बट मम्मी नहीं मान रही है, और पापा जी भी थोड़ा थोड़ा नहीं मान रहे। पापा जी को, पापा जी तो मान जाएंगे, काफ़ी लोगों को पेरेंट्स दिला देते हैं जो भी उनको लेना होता है वो बोलते हैं, तो बट मैं तो खुद बोल रहा हूँ लेने की, बट मुझे तो खुद भी नहीं लेने दे रहे। तो देखते हैं जो भी होगा, देख लेंगे, मेरा बर्थडे आने वाला है, सोचा तो बर्थडे पे ले लेता एक बाइक, एक मेरा गिफ्ट भी आता खुद की तरफ से अपने लिए, और एक मुझे बाइक चाहिए भी थी, बिकॉज एक शौक होता है ना, हर किसी को शौक होता ही है, क्योंकि मेरी एज ही ऐसी है, तो अगर अभी मैं अपने शौक थोड़े बहुत पूरे कर लूँ तो बाद में तो नहीं रहेंगे शौक, बाद में तो मैं बेच ही दूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तो इसलिए मैं सोचा चलो नई बाइक ट्राई करते हैं, कोई मतलब स्पोर्ट्स बाइक तगड़ी वाली। तो मैं ड्यूक सोचा था, ड्यूक 390, शो ऑफ के लिए नहीं बट ओनली एक्सपीरियंस के लिए,
और आप लोगों को शेयर करता हूँ थोड़ा बहुत कि मैं क्या कर रहा हूँ किस तरह से। फिलहाल तो मैं चाय पीता हूँ और एक नई ड्राइंग स्टार्ट की है हेयर की, वो बनाते हैं और शाम को व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो अभी मैंने शार्प किए हैं 15 चारकोल पेंसिल्स जो कि सारी सॉफ्ट हैं, तो काफ़ी अच्छे से शार्प हो गए हैं। सो आउटलाइंस बना लिए हेयर की, अब इसमें शेड करेंगे इन्हीं पेंसिल्स का यूज़ करके। और ये भी एक ट्यूटोरियल ही है जो कि मैं अपने आर्ट वाले चैनल पर अपलोड करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं वीडियो का बैकअप बना रहा हूँ, जब भी मेरा नया स्टूडियो बनेगा ना, जब भी वॉइस ओवर करूँगा तो वहीं पर करूँगा। तो अभी बैकअप बना लेते हैं, ड्राइंग तो बना ही लेते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, एक तो मुझे लेना है साउंड कार्ड माइक कनेक्ट करने के लिए अपने लैपटॉप से, बिकॉज मैं एक ही पड़े तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप साउंड कार्ड ले सकते हो, उससे आपका माइक कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, मैं लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, टेस्ट करके देख लूँगा, अगर लग जाएगा तो ले लूँगा, अदरवाइज मेरे कुरियर्स आए होंगे तो वो भी ले लेंगे। तो हमारी गली खुल चुकी है, अब हम यहाँ से जा पाएंगे। सुबह तो इधर भी लगा दिया था, यहाँ पर हमेशा जाम लगता है, कभी जेसीबी कभी उठाने वाले, क्योंकि यहाँ पे ना लकड़ियों का काम होता है। अरे निकल जाएगी क्या बाइक, निकल तो जानी चाहिए। रुको रुको अंकल जी रुको, कई बार तो यहाँ पे काफ़ी टाइम वेट करना पड़ जाता है। सबसे पहले तो मैं साउंड गार्ड का जुगाड़ करता हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिल जाए तो मैं आराम से वॉइस ओवर कर पाऊँगा। मैं पीयूष को भी लेके आया, कुरियर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने बैग में आएंगे डाल लूँगा, इन पे पता करते हैं। भैया साउंड कार्ड मिल जाएगा और चेक भी कर सकता हूँ? हाँ लैपटॉप तो है, लगा के देख लेता हूँ। इसमें तो चल नहीं रहा, इसका जो ये मेन पोर्ट है ना, इसमें नहीं चल रहा। मेरे पास हैं तो तीन माइक, तीनों उसमें से कोई नहीं चल रहा। हेलो 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 हेलो, चल गया। कितने का ये? तो हमारा काम हो गया, इससे बढ़िया वाला भी है आपके पास कोई? ठीक है भैया थैंक यू। साउंड कार्ड का काम तो हो गया है, अब हमारा माइक चल रहा है अच्छे से। नाउ अब मैं अपने कुरियर से ले आता हूँ, मतलब अब मुझे जो खुशी मिल रही है ना, मेरा माइक चल गया, अब धड़ाधड़ वीडियो आएंगी क्योंकि हम अच्छे से वॉइस ओवर कर पाएंगे। कुरियर देख लेते हैं, कुरियर है अंकल जी, आपका नंबर सेव है मेरे पास तो। यस ये हम व्लॉगिंग करते हैं। क्या करते हो? व्लॉगिंग। व्लॉगिंग? हाँ व्लॉगिंग। ठीक है अंकल जी थैंक यू, कुरियर भी आ गए, गिर ना जाए, चेन बंद नहीं हो अच्छे से, नहीं गिरेगे। वैसे एक जगह से और लाने थे, वहाँ भी आए होंगे। तो फिलहाल मैं जूस वगैरह पी लेता हूँ, बाहर का और कुछ तो खाना नहीं है, जूस तो पी लेते हैं। जूस वाले भैया किधर हो? ओ मिल गए जूस वाले भैया, देखो यहाँ भी सील कर रखा था, खोल दिया है, ये देखो बल्लियाँ बल्लियाँ पड़ी हैं यहाँ पे, पता नहीं आज क्या हुआ, सारा ही खोल दिया है। ओ कितने क्यूट क्यूट छोटे से, हे भगवान इनकी रक्षा करना। नमस्ते अंकल जी, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब सील खुल गया गली का। एक काम करते हैं, पहले छत में चलते हैं और इनको पहले अनबॉक्स ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिले हो जाएंगे। ऊपर किसी को नहीं आना, सबसे ऊपर छत में चल के अनबॉक्स कर ही लेते हैं। काले काले बादल हो रहे हैं, ज़्यादा कुरियर्स नहीं है, श्रेयांश दीपक ने भेजा ये। सबसे पहले तो एक लेटर है प्यारा सा जो कि हम अच्छे से पढ़ते हैं, और एक है हमारा पोर्ट्रेट जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है, देखो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है राहुल गोला, अरे वाह इन्होंने भी एक रफ सा स्केच भेजा है, काफ़ी प्यारा है। नेक्स्ट है नमन गुप्ता, ओनली 12 ईयर्स ओल्ड क्लास 6, तो इन्होंने भी मेरा पोर्ट्रेट बनाया, देखो काफ़ी क्यूट सा। फ्रॉम प्रीत आर्टिस्ट, अरे वाह ये तो कॉमिकॉन का है, अगर आपने मेरा वो वाला ब्लॉग देखा है तो काफ़ी प्यारी, देखो काफ़ी डिटेल्ड वर्क है। इसमें लिखा है पीयूष के लिए बबल रैप फोड़ने के लिए, चलो ये पीयूष को दे देंगे। ये लेटर है रुद्र गुप्ता, अरे वाह अच्छा लगता है आप लोगों का डेडिकेशन देखने में। अरियाश वालिया, तो ये एक लेटर है और एक पोर्ट्रेट है, देखो सारे मतलब काफ़ी अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं। फ्रॉम कृष्णा, डियर सौरव भैया, अरे वाह काफ़ी प्यारा है, अच्छे से पढ़ेंगे, वाओ पोर्ट्रेट भी देखोगा इस काफ़ी प्यारा है। नेक्स्ट है नमन, अच्छा दो लोगों ने भेजा है, एक है नमन एक है योग, दोनों ने सेम सेम सा ही, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, इन्होंने भी पोर्ट्रेट भेजा, एक ब्लैक एंड वाइट है एक कलर्ड है। हर्षद कौशल, एक प्यारा सा लेटर विद इमोजी, अरे वाह एक पोर्ट्रेट, ग्रेट वर्क। हरिद्यांश जहा, एक लेटर है प्यारा सा, ओ वाह पोर्ट्रेट है। तो ये लास्ट है युवराज राठी, पीयूष को शैतानी करने दिया करो, प्यारा सा लेटर और एक पोर्ट्रेट हमारा, थैंक यू सो मच। ये जो आप लोगों का प्यार है ना, ये तो नेक्स्ट लेवल का है,
सो थैंक यू सो मच। बस यही कहूँगा, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। चाहे आपका किसी भी चीज़ में पैशन हो, चाहे आर्ट में हो ना हो, मतलब जो भी आपको पसंद हो, बस काम करते रहो। जैसे कि जो लोग मेरे को आर्ट वाले चैनल पे फॉलो करते हैं, उन्होंने ही भेजा होगा ये। इस चैनल पे मेरे आधे से ज़्यादा ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको आर्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सो अभी मैंने पीयूष को बुलाया और पीयूष के लिए जो गिफ्ट आया है उसको दे देते हैं। पीयूषी, आपके लिए एक बहुत मस्त गिफ्ट आया हुआ है, बहुत खुशी से आ रहा है। गैस करके हो सकता है गिफ्ट मेरे लिए स्केच ही होगा। स्केच नहीं है, उससे भी बढ़िया चीज़ है जो तेरे को बहुत पसंद है। बहुत ही ज्यादा यार, थोड़ा वो दो, मेरे को कितनी चीजें पसंद है। खाने की चीज नहीं है वो दो, हिंट दो। हिंट नहीं दे रहा, जल्दी बता। हिंट मेरे को क्या पता है। हाँ, जेब में रखा था। कितनी बड़ी है ये बताओ। हैं यार, थोड़ा बताओ ना भाई। इतनी मस्त चीज आई है, लिखा हुआ है स्पेशली ये पीयूष के लिए था, ये पीयूष के लिए है। बेइज्जती वो तेरे को कोई भेजने की जरूरत नहीं है वो तेरी अपने, वो तो होती रहती है। हिंट दे और तभी तो बताऊंगा। ड्रैगन फ्लाई। सो डिस्क्लोज कर दे गाइस, बता दे इसके लिए क्या भेजा है। तो पीयूष के लिए भेजा है ये बबल रैप फोड़ने के लिए। अरे पीयूष की हो गई है वही तो कह रहा था, बेइज्जती भेजिए, भोगी बेइज्जती है भेज के। तो भाई एक काम कर, आराम से बैठ जाओ, इसको फोड़ता रहे आराम से। आप क्या किया सारे? कोई नहीं, अपन की तो इज्जत ही नहीं रही है। अच्छा हाँ, याद आया मुझे। हाँ। इसने, तूने बोला था ना ब्लॉग में, इसने बोला था ब्लॉग में कि मेरे को वो फोड़ना अच्छा लगता है, अच्छा थैंक यू भेजने के लिए, तभी भेजा शायद। मैंने सेट कर रखे, तू मत छेड़ यार अभी। इसमें सारी मेरी मेरे पोर्ट्रेट है, देखने तो दो यार। अभी धूप काफी तेज हो रही है और इतनी धूप में मैं हेलमेट डाल के वीडियो बना रहा था। सारे आस पड़ोस के देख रही है हेलमेट डाल के छत पे धूप में क्या कर रहा है ये। तो अभी ओरियो को नहीं ला सकते ऊपर, अराउंड एक डेढ़ घंटे बाद दिलाएंगे। पीयूष के लिए बबल रैप देखा। थैंक यू। अपुन की इज्जत बन गई। वैसे जब मैंने इसको बोला ना कि तेरे लिए कुछ आया है, ये लिटरली कुछ ऐसी पहाड़ सी चीज सोच रहा होगा कि मतलब क्या आया होगा। सबसे पहले तो इसने खाने की चीज सोची होगी। नहीं, खाने की कैसे आएगी पता है, इसको खाने के अलावा कुछ सोचता नहीं पहले। मतलब आप लोग भी सही बेइज्जती करने में लगे रहते हो इसकी। इंस्टाग्राम पे भी इसके कमेंट्स आते हैं फोटो पे। ओए ओए उड़ गए उड़ गए। ओए ओए ओए, चल चल नीचे लेके चल इनको। मैं तभी कह रहा था जल्दी नीचे ले चल इनको। अरे पढ़ने भी है यार मेरे को। एक काम कर, तू हेलमेट ले आ जा, अभी थोड़ी देर में आएंगे ऊपर ओरियो को लेके, अब ब्लॉक करेंगे। चल रेडी हो राइड के लिए। चल सही है, गिरूंगा भी तो लगेगी नहीं। क्यों गिरेगा, हरकतें मत कर, गिरूंगा तो ऐसे बोलना कि ओए ओरियो ओरियो उठो, छत में चलते हैं घूमने के लिए। लगी सिर में, लगी सिर में, लगी और घुस ले उसके नीचे। मूत्र त्याग कर रहे हैं। सही किया, सही टाइम पे ऊपर लेके आए। मूत्र त्याग कर दिया। हेलो, दो पतंग उड़ रही है, दो पतंग के बीच में कांटे हो रहे हैं। काटे पेचे एक ही बात है, देखते हैं कौन जीतता है। मेरे ख्याल से रेड वाली जीतेगी, रेड वाली जीतेगी, रेड वाली, रेड वाली गई। अरे रेड वाली गई, नहीं मेरे को पता था रेड वाली कटेगी, मेरे को पता था रेड वाली कटेगी। पीयूषी भाई तेरी टी शर्ट तो गई, तेरी इसकी टी शर्ट तो गई आज, पीयूष की टी शर्ट तो गई, पीयूष की टी शर्ट तो गई। अम्मा आ चुकी है, अम्मा पीयूष की टी शर्ट गई। पीयूष की टी शर्ट गई, पीयूष की टी शर्ट। हेलो हेलो जी, भाई बड़ा हो गया ना पीयूष, बहुत तेज हो जाएगा ये। उंगली मत दे ना, उंगली काट लेगा वो, उसको उंगली काटने की आदत हो जाएगी फिर। इसका लाल टी शर्ट पसंद आ रही है। वो गई, फट गई है, फट गई, दिखा। ओ मत दे ओए टी शर्ट, फिर फटी हुई डाल के घूमेगा तू। कौन सी भिंडी है, वो वाली भिंडी है क्या? ना दो वो नहीं है, वो तो लंबी लंबी थी, वो तो सारी है, उनसे क्या होता है। ये
हे गाइस, तो अभी व्लॉग एडिट हो चुका है जैसे जैसे मैंने कर लिया, बिकॉज मैं फुल नींदों में हूँ, बट व्लॉग आ जाएगा सुबह 8 बजे। आई होप आपको पसंद आया होगा, आया है तो लाइक कर देना, नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।